हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। देखिए, झारखंड की तरफ से नई वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट जारी हो चुकी है, जिसमें कि भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जिसे मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगी। इसमें क्वालिफिकेशन एज लिमिट कैसे कर सकते हैं अप्लाई, तो झारखंड के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। सबसे पहले बता देते हैं, इसमें देखिए टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी कि शिक्षक और अदर पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है, जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ वन बाय वन करके। सबसे पहले नंबर पे जो है मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट है, जो कि 23 to 35 ईयर होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं पे स्केल की, तो 9,300 से लेके 34,800 प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद ग्रेड पे आपको जो है इंक्रीमेंट भी किया जाएगा, ग्रेड वाइज आपको जो है पे स्केल दिया जाएगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन MBBS फ्रॉम मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे देखिए फार्मासिस्ट के लिए जो है उसका जो है 21 से लेके 30 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं 5,200 से लेके 20,200 आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रेड पे आपका जो है सैलरी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं ISC यानी कि 10+2 साइंस स्ट्रीम से। उसके बाद बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी से होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। मैट्रिक पास बिफोर 1994 से होना चाहिए, यानी कि 1994 के पहले के जो है मैट्रिक पास होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है। इसमें बात करते हैं एज की, तो 21 to 30 ईयर होना चाहिए। सैलरी की बात करते हैं 9,300 से लेके 34,800 प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रेड पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं MCA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए BE BTEC कंप्यूटर साइंस या IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट विथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए 21 to 35 ईयर होना चाहिए। 5,200 से लेके 20,200 प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रेड पे आपका जो है सैलरी दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो BSc केमिस्ट्री एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन सैनिटेशन एंड पब्लिक हाइजीन में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो असिस्टेंट टीचर के लिए है, जिसमें कि देखिए 21 to 30 ईयर होता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं तो 5,200 से लेकर 20,200 प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रेड पे आपका जो है इंक्रीमेंट किया जाएगा। इसमें देखिए सीटेट स्टेटेट अगर होता है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि DLED होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। हायर सेकेंडरी विथ 45% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि DLED होता है, तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद चलिए बताते हैं नेक्स्ट पोस्ट है LDC के लिए, तो LDC के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ देखिए 21 to 30 ईयर आपका जो है एज होना चाहिए। सैलरी जो है 5,200 से लेके 20,200 प्रोवाइड कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी एंड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो सेम वही एज होना चाहिए, सैलरी सेम वही होगा। और बात करते हैं 10th पास और ITI होता है, तो अप्लाई कर सकते हैं। मिडवाइफ के लिए वैकेंसीज हैं, सेम वही सबके लिए एज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए सैलरी भी सेम वही अप्रोक्स है। मैट्रिक इसकी जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 45%, ANM की डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सफाई मजदूर की बात करते हैं तो उसमें देखिए सेम वही एज और पेमेंट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th पास आप होने चाहिए। उसके बाद देखिए सफाई वाला के लिए वैकेंसीज हैं, उसमें देखिए सेम वही जो है आपकी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी, इसमें भी मैट्रिक पास होना चाहिए। कब से कब तक कर सकते हैं अप्लाई, तो देखिए लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 28/1/2023 यानी कि 28/1 तक हम लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, चलिए बताती हूँ कि कहाँ से वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए वैकेंसीज आई हुई हैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से, रामगढ़ से वैकेंसीज निकाली गई हैं। किसी भी जिले के रहने वाले हो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, इस पे जाके आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए PDF को डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए इसमें
दिया गया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार यहाँ पे विजिट कर डू सब्सक्राइब प्रेस फोर लीटर ब्रेड, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं।